हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हर लड़का और हर लड़की का सपना होता है कि उनके बाल जो हैं वो काले, घने, लंबे व शाइनी दिख सके। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आजकल के बिजी शेड्यूल की वजह से लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तनाव में रहने लगते हैं, अपना खान पान उनका बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो उनके बाल हैं वो धीरे धीरे समय के साथ साथ पकने लग जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के कम ही उम्र में बाल जो हैं वो पकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चल करके उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। और जब बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो बाल कमज़ोर भी होते हैं, जिसकी वजह से कि बाल टूटते हैं और वहाँ पर गंजापन आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज का विषय इसी टॉपिक पे है कि आप अपने बालों को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से काला किस प्रकार से बना पाएंगे कि आपको कभी भी सफ़ेद बालों का सामना ना करना पड़े। तो इस नुस्खे को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप समझ सके बारीकी से कि इस नुस्खे में कौन सी सामग्री ली गई है और किस प्रकार से आपको लगाना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की ओर। सबसे पहले दोस्तों, आपको लेना होगा एक खाली कटोरी। इसके बाद दोस्तों, आपको इसके अंदर जो चाहिए वो चाहिए होगा रीटा पाउडर। दोस्तों, रीटा पाउडर जो है ये आपकी जड़ों पर काम करता है, यानी कि ये आपकी जड़ों से आपके बालों को काला बनाने में मदद करता है। इस प्रकार से आपको एक चम्मच रीटा पाउडर का ले लेना है। इसके बाद दोस्तों, इसके अंदर हमें चाहिए होगा जैतून का तेल, यानी कि ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है दोस्तों, ये आपको दो चम्मच लेना है। ये पोषण से भरपूर होता है, इसके अंदर ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 जो होता है ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ ये आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करके वापस से उन्हें काला बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको इसके अंदर जो तीसरी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको चाहिए होगा। इस प्रकार से आपको एक फिटकरी लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि इसको एक हमाम दस्ते में डाल करके इस प्रकार से अच्छे से कूट लेना है। कूटने के बाद ये जो है कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये पाउडर जो है मैं पहले ही पीस कर रख चुका हूँ। इस प्रकार से आपको ये जो पाउडर है ये आपको एक चम्मच इस प्रकार से ले लेना है। अब हम फ्रेंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक पेस्ट की तरह बन करके तैयार हो सके। इस प्रकार से आपको इसको चलाना है। दोस्तों, इसके अंदर हमने फिटकरी को इसलिए यूज़ करा है क्योंकि फिटकरी जो होती है वो एक कड़क पदार्थ होता है, जिसकी वजह से ये आपके बालों के ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है, यानी कि आपके बालों के ऊपर एक कोटिंग कर देता है, जिसकी वजह से आपके बालों के अंदर धूल प्रदूषण नहीं जा पाती है और आपके बाल जो हैं वो बचे रहते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण से बचने से आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद नहीं हो पाते। इस प्रकार से ये पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, आपको इसको उस दिन लगाना है जिस दिन आप अपने बालों में शैम्पू करो, यानी कि आपको इसको हफ्ते में 2 बार लगाना है। इसको अपने बालों में लगा करके आपको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, यानी कि 30 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आपको अपने बालों में शैम्पू कर लेना है। आप पाओगे कि जो आपके सफ़ेद बाल थे वो जड़ से काले हो चुके हैं, और आप इसको बेहतर रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करें। 2 से 3 बार में क्या होगा कि आपके जो बाल हैं वो हमेशा हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मैं तब से आपके लिए आज का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा। अगर आपको ये ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर इसको शेयर करें ताकि उनकी भी फ्री में मदद हो सके। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर दबाएं ताकि आने वाले सारे नुस्खे देख पाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते रहें, धन्यवाद।